वन क्षेत्राधिकारी की मिली भगत से हो रहा प्रतिबंधित हरे पेड़ों का कटान। शिकायत के आधार पर हुई खानापूर्ति, माफियों के हौसले बुलंद। सहसवान विलसी रेंजर क्षेत्र का मामला, मौके से फरार हुए ठेकेदार। बदायूं जिले के सहसवान रेंजर में अवैध तरीके से हरे प्रतिबंधित पेड़ काटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बदायूं की रेंजर सहसवान विलसी में गौहर ठेकेदार के द्वारा चोरी से प्रतिबंधित हरे पेड़ों को कटवा डाला गया। अवैध कटान की जानकारी रेंजर प्रभारी समेत वन दरोगा को मिली तो सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए कुल 3 पेड़ों के आधार पर ही कार्रवाई की गई। शेष प्रतिबंधित पेड़ों की कार्रवाई को लापता कर दिया गया। डीएफओ की गैर मौजूदगी में वन क्षेत्राधिकारी ठेकेदारों से मिलकर धड़ल्ले से प्रतिबंधित पेड़ों को कटवा रहे हैं। विशेष सूत्रों के हवाले से ठेकेदारों और वन क्षेत्राधिकारियों की साठगांठ से पेड़ कटाई का अवैध कारोबार पिछले कई वर्षों से चल रहा था। प्रतिबंधित पेड़ काटने की बात जब क्षेत्राधिकारी से की गई तो कोई सही जवाब नहीं दिया गया। इस अवैध कारोबार में जब वन क्षेत्राधिकारी भी शामिल हैं तो कार्रवाई कैसे हो सकती है? अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच किस स्तर तक की जाती है। चलो मुकद्दर ही खराब चल रहा है। अरे सुनावा बेलो काट दो, आम कटवा दे हैं।